अहम मैचों में हमेशा फेल हुई स्मृति मंधाना। आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में शर्मनाक है रिकॉर्ड। दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 विश्व कप से बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल में उसे गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मैच में 5 रनों से हरा दिया। भारत का सपना लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट में कंगारू टीम ने तोड़ा है। पिछली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में भी उसने टीम इंडिया को मात दी थी। भारतीय टीम पिछले 10 साल में कुल 5 नॉकआउट मैच खेली है। इस दौरान सिर्फ में उसे जीत मिली है। दुर्भाग्य की बात है, 5 मुकाबलों में ओपनर स्मृति मंधाना का बल्ला नहीं चला। दोस्तों, इस बार मंधाना शानदार फॉर्म में थी। उन्होंने सेमीफाइनल से पहले 3 मैचों में 10, 52 और 87 रन की पारी खेली थी। लगातार 2 मैच में 2 अर्धशतक लगाने के बाद मंधाना ने उम्मीदें जगा दी थी। ऐसा लगा था कि इस बार सेमीफाइनल में वह टीम इंडिया को जीत दिला देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सिर्फ 2 रन बनाकर ही आउट हो गई। मंधाना अपने करियर में 5वीं बार नॉकआउट मैच में उतरी। वह अब तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा सकी है। इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 34 रन रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं मंधाना के कुछ ऐसे ही शर्मनाक रिकॉर्ड्स के बारे में। महिला वनडे विश्व कप 2017 फाइनल। दोस्तों, फाइनल में टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से हुआ। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 50 ओवर में 7 विकेट पर 228 रन बनाए। टीम इंडिया के सामने आसान लक्ष्य था। ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय महिला टीम विश्व कप जीत जाएगी। स्मृति मंधाना एक बार फिर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाने में नाकाम रही। वह 0 पर आउट हो गई। महिला टी20 विश्व कप 2018 सेमीफाइनल। दोस्तों, भारत के सामने महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की चुनौती थी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। स्मृति मंधाना एक बार फिर नॉकआउट मैच में फेल हो गई। उन्होंने अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही। मंधाना 23 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।